अररिया में 8 दिसंबर 2013 को गोली मारकर हुई हत्या के मामले में व्यवहार न्यायालय ने 3 लोगों को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि इस मामले के 7 अन्य अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा हुई है। फांसी की सजा पाने वाले अभियुक्तों में मोहम्मद इरशाद, मोहम्मद तबरेज और मोहम्मद दिलशाद शामिल हैं, जबकि आजीवन कारावास की सजा पाने वाले दोषियों में साहिब कमाल, मोहम्मद ताजुद्दीन, मोहम्मद फारूक, मोहम्मद शमशेर नूर, मोहम्मद कारी ताजुद्दीन, मोहम्मद जहीर, मोहम्मद हसीब हैं। क्या मामला था? नरपतगंज से रिलेटेड केस है जी जी। और इसमें जो है सो अभियुक्त को 3 अभियुक्त को जो है सो सजा के बिंदु पर जो सुनाया गया उससे मृत्यु दंड दी गई है। 7 अभियुक्तों को आजीवन कारावास दिया गया है और मामला उन लोगों का आपसी झगड़े का था, जिसमें पहले 307 भी लगा लेकिन उसके बाद जो है सो उनकी हत्या हो गई। इसके पूर्व की भी दुश्मनी थी, उस दुश्मनी के चलते हुए ये मतलब मामला हुआ। जो न्यायालय पहले जज साहब के यहाँ था, वो जज साहब के यहाँ से ट्रांसफर होके एडीजे सेकंड साहब रमन जी साहब है, द्वितीय सत्र जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय के यहाँ से ये सजा सुनाई गई है। तो इसमें 3 लोगों को 3 दंड की सजा दी गई है, 7 लोगों का आजीवन कारावास। हाँ, 7 लोगों का आजीवन कारावास है। और अभियोजन पक्ष ने सभी गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने इस निष्कर्ष से निकला, क्योंकि ये बहुत ही हीनियस इस क्राइम कहा जा सकता है कि ब्रॉड डे में ही इसकी हत्या हो गई, ब्रॉड डे लाइट। बता दें कि 6 साल पहले अपशब्द बोलने पर आपत्ति जताने पर 8 दिसंबर 2013 को 35 साल के मोहम्मद वाहिद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिस पर व्यवहार न्यायालय सभी आरोपियों के लिए सजा ऐलान कर दिया है। सभी दोषी और मृतक जिले के नरपटगंज थाना अंतर्गत बेरिया गांव के रहने वाले हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए अररिया से राकेश कुमार की रिपोर्ट।